और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की करेंगे, जिनका आज जन्मदिन है और सुबह से ही दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर जबरदस्त जोश का माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी मुख्यालय पर मौजूद कार्यकर्ता माहौल को उत्सव नुमा बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने खुद केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और पार्टी अध्यक्ष के जन्मदिन की खुशियां मनाई। ये दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे और रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने मौके का जायजा लिया। रोड के बाहर है और यहाँ जश्न का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और कहीं ना कहीं आप देखिए पीछे ढोल नगाड़ों के साथ केक काटकर जो है वो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। सुबह से ही भारी तादाद में कांग्रेस के लीडर्स का और यहाँ पर जो उनके वर्कर्स है पार्टी के, उनका आना शुरुआत हो गई थी। पूरा का पूरा जो परिसर है उसको सजाया गया है। राहुल इस समय 10 जनपद में अपने जो लीडर्स हैं वर्कर्स उनसे मिल रहे। पीछे देखिए केक काट कर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग कब से आए और सुबह से कब से यहाँ पर जश्न चल रहा है? हम लोग 5 बजे से यहाँ पे हैं। राहुल जी का जन्मदिन मनाने के लिए इतने उत्साहित है, सारे युवा युवा लड़के हैं, सारे यूथ है और यूथ इतना आज खुश है राहुल जी के जन्मदिन पर। पूरे देश में यूथ कांग्रेस हर कोई राहुल जी का जन्मदिन मनाने के लिए इतना उत्साहित है। आप पीछे दिखाएंगे हम आपको नजारा, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो ढोल नगाड़े बजाकर नाच भी रहे हैं। पीछे यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर जो है काफी जश्न का जो माहौल है बना हुआ है। कल भी काफी जो सीनियर लीडर्स है वो राहुल गांधी को मिलने आए थे और यहाँ पर अब इस समय जो है वो पूरा ढोल नगाड़ों और जश्न के साथ मनाया गया। तो ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको दिखाया कि किस तरह से राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्सव के मूड में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी का आक्रोश सड़क पर अब नजर आने लगा है। दरअसल दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जो बीते महीनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। कहा गया कि ममता बनर्जी सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। ममता जी बंगाल की चिंता नहीं कर रही, दिल्ली में आकर यहाँ पर केजरीवाल के झूठे आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है। कम से कम बंगाल की जनता के आंसू की तरफ ध्यान दे। वहाँ जिस प्रकार विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हत्याओं का दौर चल रहा है और पुलिस भी इस पूरे राजनीति में शामिल है, पहले अपना प्रदेश संभाले उसके बाद दूसरे प्रदेश की चिंता करें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारी ताजा खबरों को देखने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।